हेलो एंड वेलकम टू वी थ्री कार्स। क्या आप जानते हैं कि टाटा नेक्सॉन ईवी में 6 ऐसे फीचर्स आएंगे जो अभी नेक्सॉन में नहीं आते, और क्योंकि नेक्सॉन ईवी पे ही नेक्सॉन का फेसलिफ्ट भी बेस्ड होगा, तो इन फीचर्स का इवेंचुअली अपडेटेड नेक्सॉन में आना तय है। इन फीचर्स के बारे में और नेक्सॉन ईवी में रेगुलर नेक्सॉन के कंपैरिजन में क्या एक्स्ट्रा है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए वी थ्री कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन में आगे या पीछे जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। रेगुलर नेक्सॉन और इसके इलेक्ट्रिक वर्जन को अब हम इनकी लुक्स, डायमेंशंस, पावर ट्रेन, फीचर्स और प्राइस के बेसिस पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये दोनों कार्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सबसे पहले इनका एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन कंपेयर करते हैं। नेक्सॉन इलेक्ट्रिक ग्राउंड अप न्यू कार नहीं है, रेगुलर नेक्सॉन पे ही बेस्ड है। नेक्सॉन ईवी के केस में टाटा ने रेगुलर नेक्सॉन का फ्रंट डिजाइन रीवर्क किया है, उसे शार्प कर दिया है, और ऐसा करते हुए इसके फ्रंट बम्पर, बोनेट, हेडलैम्प्स और फ्रंट ग्रिल सभी में चेंजेस हैं। इन चेंजेस के बाद नेक्सॉन फ्रंट से मुझे पर्सनली इवोक जैसी लगती है। व्हाट डू यू थिंक? नेक्सॉन ईवी को साइड से देखें तो रेगुलर नेक्सॉन के कंपैरिजन में चेंजेस ना के बराबर हैं। इसके सी पिलर पे अब टाटा ने एक ब्लैक एलिमेंट को इंक्रीज कर दिया है, और पुरानी नेक्सॉन के कंपैरिजन में ऐसा फ्लोटिंग रूफ डिजाइन ज्यादा शार्प लगता है और नेक्सॉन ईवी के फ्रंट को बेटर कॉम्प्लीमेंट भी करता है। इसके अलावा विंडो लाइन के नीचे जो टाटा प्लास्टिक एलिमेंट देता है, वो भी ईवी के केस में ब्लू कलर का है। रेगुलर नेक्सॉन के केस में ये ऑफ व्हाइट या ग्रे कलर में आता है। नेक्सॉन ईवी में अलॉय व्हील्स का भी पैटर्न डिफरेंट है, और इसके शार्प फ्रंट एंड डिजाइन के साथ ये व्हील्स अच्छे लग रहे हैं। नेक्सॉन ईवी के रियर में चेंजेस इनसिग्निफिकेंट हैं। यहाँ बम्पर पे रिफ्लेक्टर्स को रीपोजिशन किया है और टेल लैंप्स क्लियर लेंस है। इनके इंटरनल्स भी रेगुलर नेक्सॉन के कंपैरिजन में डिफरेंट हैं। नेक्सॉन ईवी के केस में नेक्सॉन बैजिंग भी अब टेलगेट के मिडिल में है, हैरियर की तरह। नेक्सॉन ईवी को टाटा 3 एक्सटीरियर कलर्स में ऑफर करेगा, टील ब्लू, व्हाइट और सिल्वर। इनमें से टील ब्लू नया कलर है। रेगुलर नेक्सॉन को आप व्हाइट, सिल्वर के अलावा रेड, ग्रे, ऑरेंज और ब्लू कलर में ले सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ आप नोटिस करेंगे वो होगी नेक्सॉन ईवी की लाइट थीम। ईवी में इंटीरियर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स में है, लेकिन इसका बेज कलर काफ़ी लाइट है। नेक्सॉन ईवी का स्टेयरिंग व्हील और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी रेगुलर नेक्सॉन से डिफरेंट है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब पार्ट डिजिटल है, जैसे अल्ट्रोज का। नेक्सॉन ईवी के केस में टाटा ने इंटीरियर में भी कई जगह ब्लू इंसर्ट्स दिए हैं, जो रेगुलर नेक्सॉन में नहीं आते। ओवरऑल नेक्सॉन ईवी का डिजाइन रेगुलर नेक्सॉन के कंपैरिजन में शार्प हो गया है, और ये चेंजेस मुझे पर्सनली पसंद आए हैं। लेकिन क्या कॉस्मेटिक चेंजेस का इफेक्ट नेक्सॉन की डायमेंशंस पे भी पड़ा है? चलिए देखते हैं इसे नेक्स्ट पार्ट में। क्योंकि नेक्सॉन और उसका ईवी वर्जन दोनों ही एसेंशियली सेम कार्स हैं, तो इनके डायमेंशंस में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों कार्स की लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस एग्जैक्टली सेम है, लेकिन रेगुलर नेक्सॉन की इसके ईवी वर्जन के कंपैरिजन में ग्राउंड क्लियरेंस 4 मिलीमीटर ज़्यादा है। क्योंकि नेक्सॉन ईवी इसके पेट्रोल और डीजल वर्जन से हैवी भी है, और चांसेस हैं कि इसके नीचे एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर भी होगी, इसकी वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम हो सकती है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम कंपेयर करेंगे नेक्सॉन ईवी और रेगुलर नेक्सॉन के पावर ट्रेन्स को। रेगुलर नेक्सॉन में टाटा पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन ऑफर करता है। दोनों ही इंजन मैनुअल और AMT टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल हैं। नेक्सॉन ईवी ऑन द अदर हैंड प्योर इलेक्ट्रिक कार है, तो आप इसकी बैटरी को चार्ज करके इसे चला सकते हैं। इसमें भी आपको गियर्स मैनुअली नहीं चेंज करने होंगे। एज फार एज पावर इज कंसर्न, नेक्सॉन ईवी दोनों पेट्रोल एंड डीजल इंजन से 19 PS ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। नेक्सॉन इलेक्ट्रिक का टॉर्क आउटपुट भी पेट्रोल नेक्सॉन से ज्यादा है, लेकिन नेक्सॉन का डीजल इंजन इसके इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से भी ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फिर भी ऑफ द लाइन नेक्सॉन ईवी आपको ज्यादा पंची लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के केस में हर वक्त आपको पीक टॉर्क आउटपुट मिलता है, यानी जीरो की स्पीड से पिक करते ही मैक्सिमम टॉर्क। टाटा नेक्सॉन ईवी के लिए 0 to 100 का टाइम 9.9 सेकंड्स क्लेम करता है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी नेक्सॉन ईवी इसके पेट्रोल और डीजल काउंटरपार्ट से ज्यादा क्विक होगी। टाटा का क्लेम है कि नेक्सॉन ईवी 300 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी। अगर हम पेट्रोल और डीजल नेक्सॉन की फुल टैंक रेंज की बात करें तो वो नेक्सॉन ईवी से 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा है। नेक्सॉन ईवी को जहां आप 8 आवर्स में 20 से 100% तक चार्ज कर पाएंगे, वहीं हम सब जानते हैं कि एक कार में फ्यूल टैंक फुल करने में कुछ ही मिनट्स लगते हैं। नेक्सॉन ईवी का इसके पेट्रोल और डीजल काउंटर पार्ट पे जिस एरिया में एडवांटेज होगा वो होगी इसकी रनिंग कॉस्ट, जो पेट्रोल नेक्सॉन से 1/4 होगी और डीजल से 1/3।
अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है और ये मोस्टली हाईवेज पे है तो हम आपको नेक्सॉन डीजल लेने के लिए सजेस्ट करेंगे। अगर आपकी इंटरसिटी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो नेक्सॉन ईवी लेने की सोच सकते हैं, और अगर रनिंग ही कम है तो सबसे सूटेबल ऑप्शन है पेट्रोल इंजन का। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम इन दोनों कार्स के वेरियंट्स और फीचर्स देखेंगे। नेक्सॉन ईवी में टाटा तीन ही वेरिएंट्स का ऑप्शन ऑफर करेगा, XM, XZ प्लस और XZ प्लस लक्स। लेकिन नेक्सॉन में पांच वेरिएंट्स आते हैं, XE, XM, XT प्लस, XZ और XZ प्लस। क्योंकि दोनों कार्स में दो वेरिएंट्स कॉमन है, XM और XZ प्लस, तो हम इन्हें पहले कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे XM वेरिएंट के कॉमन फीचर्स की। नेक्सॉन ईवी और नेक्सॉन दोनों के XM वेरिएंट में कुछ बेसिक फीचर्स कॉमन होंगे, जैसे डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD एंड फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज। टाटा ने अभी नेक्सॉन ईवी की डिटेल्ड फीचर लिस्ट रिवील नहीं की है, तो फॉर नाउ यही वो कॉमन फीचर्स हैं जो हम कंफर्म कर सकते हैं। बात करें अगर यूनिक फीचर्स की, तो नेक्सॉन ईवी के XM वेरिएंट में कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट, ऑटो एसी और कनेक्टेड कार ऐप मिलेगी, जो रेगुलर नेक्सॉन के XM वेरिएंट में अभी टाटा नहीं देता। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेगुलर नेक्सॉन का फेसलिफ्ट जब आएगा तब टाटा ये फीचर्स इसके XM वेरिएंट में ऑफर करेगा। क्योंकि रेगुलर नेक्सॉन के केस में XZ प्लस टॉप वेरिएंट है, तो इसमें अब पुश बटन स्टार्ट और ऑटो एसी जैसे फीचर्स आ जाते हैं जो XM वेरिएंट में नहीं थे। इनके अलावा डुअल टोन रूफ, अलॉय व्हील्स, 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फॉग लैंप्स और वेरिएबल की वो फीचर्स हैं जो दोनों कार्स के XZ प्लस वेरिएंट में कॉमन है। नेक्सॉन ईवी के XZ प्लस वेरिएंट में कनेक्टेड कार ऐप और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आता है, जो रेगुलर मॉडल के XZ प्लस वेरिएंट में नहीं आता। नेक्सॉन ईवी के केस में टाटा ने XZ प्लस वेरिएंट के ऊपर एक XZ प्लस लक्स वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें सनरूफ, लेदरेट सीट्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जैसे फीचर ऐड हो जाते हैं। ये सभी फीचर्स अभी नेक्सॉन में नहीं आते, लेकिन इसके फेसलिफ्ट में मोस्ट लाइकली आ जाएंगे। तो ये तो थी वेरिएंट्स और फीचर्स की डिटेल्स। चलिए अब दोनों कार्स की प्राइस रेंज चेक कर लेते हैं। टाटा ने रिवील किया है कि नेक्सॉन ईवी के प्राइसेस 15 लाख से 17 लाख की रेंज में होंगे। नेक्सॉन के पेट्रोल वर्जन का प्राइस 6.58 लाख से स्टार्ट होता है और 10.2 लाख तक जाता है। इसके डीजल वर्जन का प्राइस 7.59 लाख से स्टार्ट होता है और 11.10 लाख तक जाता है। तो अगर पेट्रोल नेक्सॉन से टॉप स्पेक नेक्सॉन ईवी का प्राइस डिफरेंस देखें तो वो करीब 7 लाख का होगा, और डीजल के केस में ये कम होकर 6 लाख रुपीस का रह जाएगा। क्योंकि BS6 इंजन आने के बाद नेक्सॉन के प्राइसेस, खासकर इसके डीजल वर्जन के प्राइसेस काफी बढ़ने चाहिए, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्सॉन ईवी और नेक्सॉन फेसलिफ्ट के डीजल वर्जन में प्राइस डिफरेंस अराउंड 5 लाख का ही रह जाएगा। और इसी के साथ खत्म होता है नेक्सॉन ईवी और रेगुलर नेक्सॉन का कंपैरिजन। इस कंपैरिजन में आपको ना सिर्फ ये पता चला कि किस लिहाज से नेक्सॉन का इलेक्ट्रिक वर्जन इसके रेगुलर मॉडल से डिफरेंट है, बल्कि ये भी आइडिया लगा होगा कि नेक्सॉन फेसलिफ्ट में क्या चेंजेस आ सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियोस पे अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।